नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रेला हो ब्लॉग्स। एंड फाइनली आपका भाई ने ले लिया है न्यू कैमरा, जो कि मैं यूज करने वाला हूँ मेरे फर्दर ब्लॉग्स के लिए। एंड आज मैं करने वाला हूँ इसको अनबॉक्सिंग। सो आप लोग प्लीज मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं करने वाला इसको अनबॉक्सिंग, सो आप देखते रहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है अभी तक का। सो थोड़ा खुश हूँ, जैसे ऑर्डर किया कल ऑर्डर करते ही ये आ गया। सो जल्दी से जल्दी अनबॉक्सिंग करता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी। अनबॉक्सिंग करने के लिए इतना हफ्ता रह गई। लो लो देखते हैं क्या है। लो एंड फाइनली यो होता कैमरा फॉर माय न्यू फॉर द ब्लॉग्स। सो मैंने ये लिया है SZCAM 6 लेजेंड। मुझे बहुत कंफ्यूज था मैं कि क्या लूँ राइट। एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ये लूँ मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग के लिए। सो ये लिया है, देखते हैं अंदर क्या क्या एक्सेसरीज है और कैसा है इसका क्वालिटी, देखते रहे। तो ये है मेरा कैमरा SZCAM 6 लेजेंड। फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ मेरा, भले ही फोटो नहीं है तभी मेरे शॉप का नहीं बता दीजिए मेरा फर्स्ट है। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आप गूगल ऐप स्टोर से आएगा ये बात को यूज करके आप उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपका फोन कनेक्ट हो जाए आपका कैमरा से। तो हमें उतना पता नहीं क्या नहीं है मेरे फर्स्ट टाइम है, सो तभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, सो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने ये कैमरा कभी यूज़ नहीं किया था। लेकिन मैं कंफ्यूज था कि ये लू कि ना लू, ये लू टिको को लू, उतना मुझे आइडिया नहीं है कैसे करना है। तो मेरा एक भैया है ग्रंथ, तो उनके पास था ऐसे कैमरे से, तो मेरे के पास गया। बाकी ऐसा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, भले मेरे पास डेस्कटॉप है, तो मुझे एडिटिंग नहीं करना है, इसलिए सिंपल चाहिए था ताकि मैं अपने फोन के थ्रू ही कर सकूँ। एंड सुनने में आया था कि ये ऐसे कैमरा जो है आपका फोन के साथ कनेक्ट हो जाती है, सो इसलिए मैंने इसको दिया। टेस्ट भी किया जाएगा। सो आपका कैमरा, माय गॉड, ये है आपका कैमरा जो कि मैं यूज़ करूँगा मेरे जो फ्यूचर ब्लॉग के लिए। एंड इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये वाटर प्रोटेक्ट है। एंड मेरे दोस्त में बहुत पानी में नहाते हैं, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ उसमें। तो इसको खोलने का तरीका है ऐसे करना है ये खोला और इसको आप पुल करना है। एंड आपके पास आ गया, ओह माय गॉड, ये आपका सूटकेस। एंड इसका कैसे दे दी, ओह माय गॉड, मेरा कैमरा, ये ऐसे कैमरा। यहाँ पर आपका ऑन एंड ऑफ बटन, यहाँ पर आपका स्विच बटन या सेटिंग बटन, प्लस आपका यहाँ पर USB चार्जर, प्लस यहाँ पर आपका है मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। मुझे बहुत प्यार लग रहा है इसका फ्यूचर ब्लॉग। तो ये आपका कैमरा सबसे पहले रखते हैं, ये आपका वाटर केस, जो वाटर प्रूफ केस जो फ्यूचर में यूज होगी मेरे साथ। एंड एक्सेसरीज बहुत सारे इसका, सारा माउंट एंड दिस वन। सो अभी मैं इसको हेलमेट माउंट करता हूँ, देख करें कैसा लगा। सो ये है कैमरा, इसमें यहाँ पर है आपका स्विच, इसको दबाना है आपको बहुत बार, लॉन्ग प्रेस करना है तो ये आपका ऑन हो जाता है SZCAM। सो आप देख सकते हो इसका वायरिंग कितना अच्छा है, तो सोच लो फ्यूचर में कैसा बनेगा वीडियो। सो अभी शुरुआत है बस, बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि मेरा फ्यूचर ब्लॉगिंग कैसा होगा चल गया है राइट। अभी देखना है अब यूज़ करना है कैसा है, उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा। ये है थोड़ा सा मेरा घर का सिनेरियो। तो अभी मैं अपना हेलमेट को माउंट कर रहा हूँ। सो एक जे माउंट है और एक आपका जो माउंट घुसता है उसमें आपको लगाना है। अभी इसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि ये लगाएंगे तो आपका आप हेलमेट में माउंट करेंगे तो यहाँ पर एडजस्ट होगा, आप एडजस्ट करते हैं जो कैमरा है वो सही करते मैंने कर दिया है।
अच्छा लगा या अच्छा भी लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।